सब बच्चे प्लीज जरा देखिए ध्यान से, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। गुड। हम बच्चों, सब बच्चों ने माशाल्लाह से नाइन्थ में भी ये चैप्टर्स किए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो चैप्टर वन था बेटे, दैट वाज रियल नंबर, एंड एंड जो हमारे पास चैप्टर टू है वो हमारे पास है पॉलीनोमियल। तो चैप्टर वन रियल नंबर है और चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स है, और चैप्टर थ्री भी आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें हेल्प मिलता रहेगा नाइन्थ से। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू। तो चैप्टर टू है पॉलीनोमियल। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है पॉलीनोमियल क्या है जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था? थोड़ा बहुत आइडिया दीजिए। अदनान, पॉलीनोमियल पढ़ा है? सर मैं इसका शुरू से बता सकता हूँ। सर मैंने ये पढ़ा है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और लास्ट में जो आता है वो होता है पॉलीनोमियल। अच्छा, लास्ट में पॉलीनोमियल, शाबाश। और कुछ? सर पॉलीनोमियल मतलब n, जैसे n टर्म होता है वैसी पॉलीनोमियल होता है, बहुत कोई भी जितने भी टर्म्स। चलो माज आप बताओ आपने क्या पढ़ा है, पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? सर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। वेरी नाइस, बट व्हाट इज द पॉलीनोमियल? It was the degree of the polynomial, but what about the polynomial? Can you explain it or describe it? Sir, polynomial में variable degree होती है. Okay, चलो. What about Zoya? Zoya, what is polynomial? Zoya, चुप होने से काम नहीं चलेगा. Say something. जोया आवाज आ रही है? जोया आवाज आ रही है? ये प्रॉब्लम है बेटे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। यस नो कुछ तो कहेंगे आप, और कहना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। चलिए देखिए होता क्या है बेटे। पॉलीनोमियल जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक्चुअली पॉलीनोमियल इज नथिंग, पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स आप कह सकते हैं टर्म्स, तो हम ये कह दें मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है हमारे पास जब हम मैथ्स की बात करते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज को, तो वहां से बनते हैं एक्सप्रेशन कि आप किसी चीज से कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो मैथ्स में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपनी चीज को? दो लोगों के पास 10 रुपए हैं, आप कैसे लिखोगे? मैंने आपसे कहा 2 पीपल्स हैव 10 रुपीज, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सिंपल। ये हमारे पास दैट इज द एक्सप्रेशन इन मैथ्स, एक्सप्रेशन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक के पास एक्स के हैं, दूसरे पास वाई है, टोटल 10 है, लाइक दिस। तो अगर इसी को आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, इसमें ये ऑपरेटर्स हैं, इसमें ये कॉन्स्टेंट है, नंबर्स। वेरिएबल किसे कहते हैं? जो वैरी करते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है एक के पास 8 रुपए हो, दूसरे के पास 2 हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है 7+3 हो, ऐसा भी हो सकता है 9+1 हो, तो दे कैन वेरी इन देयर वैल्यूज, तो दैट इज वेरिएबल। ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स एंड देयर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन ले लें, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इज कॉल्ड
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम एक्सप्रेस करें तो हम अगर सिंपल सा ऐसे लिख दें कि x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये है इन टू वेरिएबल, ये है इन वन वेरिएबल। तो इसमें अब यहां एक चीज आ जाती है पावर। तो हमारे पास एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो आपने लिखा है ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें पावर्स हैं, इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें ऑपरेटर्स हैं, और इसमें इनकी पावर। तो सिर्फ पावर पे अगर कंडीशन लगा दें कि पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having its power non-negative integer is called the polynomial. खैर ये नाइन्थ की बात थी, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, यहाँ से हम टेंथ में स्टार्ट कर रहे हैं। ए जीरो एक्स की पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स, एंड फाइनली ए एन। ये मेरे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a0, a1, a2, an, these are coefficients, real numbers। सलीम भाई ये बंद कर दीजिए गेट। और जी, और ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास इसकी पावर है, ठीक है। एन जो है हमारे पास पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो जब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। हम यहां इसे नेचुरल नंबर भी कह सकते थे क्योंकि जब पॉजिटिव की बात करते हैं, बट जीरो नहीं आता नेचुरल में, तो जीरो लेने के लिए हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर कहना पड़ रहा है, या होल नंबर आप कह सकते हो। अब यहां जब आपने कहा हाइएस्ट, तो हाइएस्ट को हम डिग्री कहते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिए, आपने पॉलिनोमियल को जो कैटेगराइज किया था, जो आप कह रहे थे अभी, दो चीजों पे बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक्चुअली क्या है, जहां भी प्लस माइनस आ जाएगा वहां टर्म्स हो जाएंगी। तो ये ए जीरो एक्स एन हमारे पास एक टर्म है, ए वन एक्स एन माइनस वन दूसरी टर्म है, ए टू एक्स एन माइनस टू तीसरी टर्म है, ए एन चौथी, ये लास्ट टर्म है पास। और हम अपने पॉलिनोमियल्स को या एक्सप्रेशन को या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ हमने डिक्रीजिंग, पहले एन, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, एंड सो ऑन, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास टर्म्स पे बेस्ड। तो जब अगर हम ये कह दें कि हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, उसे आपने कहा था मोनोमियल। अगर आपके पास टू टर्म्स हो, तो जो आप कह रहे थे उसे आपने कहा था बाइनोमियल। अगर आपके पास थ्री टर्म्स हो तो उसे आपने कहा था ट्राइनोमियल। अगर आपके पास फोर टर्म्स हो तो उसे आपने कहा था पॉलिनोमियल। बेसिकली है क्या, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के हम नाम जानते हैं, कुछ के नहीं जानते हैं। जैसे अगर हम किसी का नाम जानते हैं, हमने कहा भाई फरहान भाई यहाँ आओ, आज़म भाई यहाँ आओ, हैदर भाई यहाँ आओ, अदनान भाई यहाँ आओ, ठीक है, माज साहब यहाँ आओ, तो जिनके नाम जानते हैं उनका नाम लेते हैं, जिनके नाम नहीं जानते उनको हम क्या कहेंगे? हाँ भाई माज, उनको क्या कहेंगे? सर भाई साहब, भाई साहब यहाँ आओ। तो ऑल आर पॉलिनोमियल, बट हमने कुछ के नाम जानते हैं। मोनोमियल को मोनोमियल भाई कह देंगे, बाइनोमियल को बाइनोमियल भाई कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे, बट अगर नहीं पता तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट वाला फोर्थ वाला ही पॉलिनोमियल है, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है, सब पॉलिनोमियल है, बट सबके नाम तो नहीं रख सकते ना, हमारे पास हजार टर्म्स हैं उसको क्या कहें, तो ऐसा नहीं है, वो सब पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ फोर टर्म्स कह देंगे, फिर उसको पॉलिनोमियल ऑफ हजार टर्म कह देंगे, लाइक दिस।
तो एक तो पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इससे हमें टेंथ में कोई लेना देना नहीं है। मेन जो हमारा काम है वो यहाँ से है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये आपका टेंथ वाला पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ध्यान से देख लीजिए, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ध्यान रखना यहाँ पे सब कुछ जीरो हो सकता है, सुन लीजिए पहली बार, सब कुछ जीरो हो सकता है, एवरीथिंग, पावर जीरो हो सकती है, x जीरो हो सकता है, a1 a2 जीरो हो सकता है, बट हमारे पास जो फर्स्ट है a0 नेवर बी जीरो। अगर ये भी जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट कम से कम ये तो होना चाहिए हमारे पास, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते रहेंगे इस कंडीशन को, देखते जाइए। अब हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो पावर है वो जीरो हो जाए, ठीक है, पावर ही जीरो हो जाए, तो उसको पावर जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पॉलिनोमियल पी एक्स, सपोज करो मैं लिख दूं 5, तो यहां पे वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपसे कहा ना कि पहला वाला ही टर्म जीरो नहीं हो सकता, कि अगर सिर्फ एक ही वो भी जीरो हो जाए, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी पावर जीरो है। एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू होती है 1। यस, तो हमने आपसे क्या कहा है, हमने ये कहा है कि हम 5 भी लिख सकते हैं और 5 को 5 इंटू एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं। तो जिसकी पावर जीरो होती है उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। सर एक क्वेश्चन। सर बोलो। सर जीरो पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, क्योंकि सर उसके ऊपर तो 1 होता है। किसके ऊपर 1 होता है सर, मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है ना। अदनान मैंने क्या नंबर दिया है, पीएक्स के आगे मैंने क्या लिखा है सर, 5x0 5 5, तो फिर 5 के ऊपर 1 कैसे लूं। अच्छा 5 के ऊपर नहीं ले सकते, ओके सर। जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वी नीड वेरिएबल, या नंबर की डिग्री नहीं गिनी जाती, समझ में आ रहा है। यस सर, गॉट इट। देखो अदनान जो कह रहे हैं वो एक बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, कम से कम बच्चा बोल रहा है। एक्चुअली है क्या बेटे, आप अगर ऐसे मान रहे हो कि भाई 5 की पावर 3x, तो यहाँ 5 की पावर 3 है तो मैं इसको पावर डिग्री जो है इसकी 3 कह दूं, नहीं, नंबर की पावर की कोई बात नहीं है, नंबर के ऊपर 5 की पावर 3 क्या 3000 हो जाए, पावर जब भी गिनी जाएगी वो वेरिएबल की गिनी जाएगी। किसकी गिनी जाएगी सर, वेरिएबल। तो इसका मतलब यह है कि 5 की पावर 3 तो अपने आप में एक नंबर हो जाएगा ना बेटे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना हम नंबर की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, ध्यान से देख लीजिए, ओनली ए, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए, उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टेंट होगा ए। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ जो डिग्री है वो 0। तो ये अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो ये पहले हम समझ लें होता क्या है। फिर अगर हमारी डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है और मैंने आपसे कहा 3x, सिर्फ 3x, तो इसमें पावर 1 हो गई। या मैंने आपसे कहा, ध्यान से देख लीजिए, 3x प्लस 5, या मैंने आपसे कहा x माइनस 2, नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1000x प्लस 5, अंडर रूट 5, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। क्यों हैं ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल,
क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उन सब की डिग्री क्या है भाई? One. ठीक है। अच्छा अगर वैसे ही मैं आपको बताऊं, इस वाले पहले वाले में टर्म एक आई है तो ये मोनोमियल भी है, लेकिन बाकी सारे बाइनोमियल हैं। ठीक है, तो टेंथ में मुझे टर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो डिग्री की ही पड़ेगी। तो बाकी सारे के सारे बाइनोमियल्स हैं बट फर्स्ट वन इज मोनोमियल, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटे वो होगा ए एक्स प्लस बी। पहले कांस्टेंट हो सकता है, फिर वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर वन हो सकती है, फिर कांस्टेंट हो सकता है। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि बी जीरो हो सकता है, ठीक है, एक्स की पावर जीरो हो सकती है, बट कंडीशन अगेन वही है कि ए जीरो नहीं हो सकता। अच्छा अब हमारे पास आता है डिग्री टू। डिग्री टू उसको हम क्या बोलते हैं अगर याद हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बट इन्वॉल्व रहना है क्लास में, ठीक है, जिससे आप सीखें। आपको लास्ट में जब क्लास बंद हो तो आपको खुद फील हो कि नहीं आज मैंने कुछ सीखा है, और ऐसा सीखा है जो हमेशा आपके साथ रहे, रटना भी नहीं है। क्वाड का मतलब ही टू से होता है बेटे, लीनियर का मतलब वन से होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो तो हमारे पास क्या है अब, हम कह दें जैसे हमने px, हमने क्योंकि पावर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ हो सकता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिखा हो, लाइक दिस। नंबर्स कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, नंबर का मतलब मैं लिख दूं 1025x स्क्वायर लाइक दिस, इसके साथ कुछ और लगा दूं, मैं लगा दूं माइनस 3x, इसके साथ कुछ और लगा दूं, मैं लगा दूं 500, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है कि मेरे पास पावर कितनी होनी चाहिए? दो। तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप कोई सी भी फॉर्म में लिख सकते हैं ये मतलब। अगेन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं, एक्सरसाइज हमारी जो इस टाइम है वो फर्स्ट और सेकंड वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की है। मैं आपको क्वेश्चन कह दूं ये है और आपने किया अभी, लेकिन बात यह है कि जो आपकी बुनियाद है, जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे है, वो मजबूत करती है कि कभी भी आपसे कुछ भी पूछे तो आपको पता हो अच्छा इसकी ये वजह है। तो प्लीज सारी चीजें समझिए, और ये वो वाली बात है, नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो लेकिन नहीं पता है क्योंकि हमने समझा ही नहीं। आ जाओ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मैं पूछूंगा फिर आपसे क्योंकि इन्हीं से बेटे काम चलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, एक्स जीरो हो सकता है, एक्स की पावर टू जीरो हो सकती है, बट ए जीरो नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये शुरू वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और अगर ये शुरू वाली टर्म जीरो हो गई तो पावर टू जीरो हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये मेरे पास है। तो ए जीरो नहीं होगा, टू भी जीरो नहीं होगा। जीरो तीनों टर्म में, अच्छा ओके सर, कुछ नहीं कुछ फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को कह रहे हैं ना हमेशा, अगर फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, जैसे इसमें फर्स्ट वाला जीरो हो गया तो टू वाली पावर खत्म हो जाएगी, टू वाली पावर खत्म हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे दूसरे वाले हमने ऊपर वाले में कहा, अगर इसमें ए जीरो हो गया तो पावर वन खत्म हो जाएगी, तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल में पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऊपर है तो जीरो आ जाएगा तो वो कुछ होगा ही नहीं, इस तरह से हम कह रहे हैं। अब हमारे पास बचता है लास्ट, बस इतना ही आपके चैप्टर में है, डिग्री फोर। डिग्री थ्री, अगर हम डिग्री थ्री की बात कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं एक्स क्यूब, मैं आपसे कह दूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लाइक दिस, ये मैं आपसे कह दूं। तो यहां बस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस है, x की पावर तो 3 2 1 0 होनी है, और वेरिएबल्स जो हम ले रहे हैं, जो हम कांस्टेंट वाला शो कर रहे हैं, वो ए बी सी डी ई एफ जी ले रहे हैं, तो उस तरह से आप रखते चले जाओ। अगेन इन दिस फॉर्मेट ए नेवर बी जीरो,
अब हमारे पास लास्ट, चलिए ये भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास होता है बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री फोर, डिग्री फोर पॉलिनोमियल, तो इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री फोर। तो हमारे पास क्या होगा, सीधा सीधा सा अगर मैं लिख दूं, सपोज एक्स की पावर फोर माइनस फाइव, तो ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ये होगा ए एक्स फोर, फिर बी एक्स क्यूब, फिर सी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स एंड फाइनली ई। तो ए बी सी डी ई, एक्स की पावर फोर, थ्री टू वन जीरो, दैट्स इट। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब जरा ध्यान से देख लो क्या क्या हुआ। पहला हमारे पास हुआ जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा हमारे पास हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा हमारे पास हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हमारे पास आया क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिर हमारे पास आया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, ये हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, अगर आपको याद हो नाइन्थ में आ जाइए, एक्स प्लस फाइव एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, सीधे यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। आप लोगों ने शायद रखा होगा कि आपसे कहा था नाइन्थ में पी जीरो निकालो, याद आया कुछ पी जीरो? तो पी जीरो आपने कैसे निकाला था, कोई बच्चा मुझे बताएगा? क्या चीज बेटे? बेटे जहां भी x है वहां हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे सर, x जीरो ले लेंगे। यस, तो जीरो प्लस फाइव इज फाइव। मैं आपसे कहूं पी वन निकालो, मैं आपसे कहूं पी माइनस फाइव निकालो, किया था ना नाइन्थ में ये? यस सर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ये कर रहे हैं कि हम x की वैल्यू रख रहे हैं। अगर हमने x की वैल्यू जीरो रखा तो ये आया, x की वैल्यू वन रखा तो ये आया, x की जगह रख रहे हैं बस, माइनस फाइव रखा तो ये आया। तो x की ऐसी वैल्यू, सब बच्चे सुन लीजिए, यही हमारे काम की चीज है, x की ऐसी वैल्यू जिसके रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी नाइस बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x, x कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए, फॉर विच पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, हमने जो लिया था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो हम कह सकते हैं माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ पी एक्स। यस और नो? यस सर। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने तो रख के देखा किसके लिए जीरो आ रहा है, लेकिन जब हमें जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, मान लीजिए मैं कहूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, आपको इसका जीरो निकालना है, तो आप याद हो अगर जीरो माइनस थ्री हो जाएंगे, आपको अगर याद हो तो इसको जीरो के इक्वल रख देते थे, क्या रख देते थे, जीरो के इक्वल, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे, तो थ्री इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
सर थ्री थ्री प्लस थ्री, तो प्लस थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो x इज इक्वल टू थ्री इज द जीरो ऑफ पी एक्स. क्योंकि अगर हम प्लस थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा. यस और नो? यस सर. यस. जरा मुझे बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल पी एक्स है और वो है टू एक्स प्लस फाइव. बताओ इसका जीरो क्या होगा? थ्री. टू एक्स प्लस फाइव का जीरो क्या होगा ये बताइए. माज बताओ बेटे. अदनान सर इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं? कुछ भी नहीं रखनी, वो रखनी है जिससे जीरो आए. क्या रखूं? फैजान बताओ. माइनस फाइव रख देंगे सर एक्स की वैल्यू. इसका मतलब पढ़ते नहीं. देखो अभी तो समझाया बेटे, सुन भी नहीं रहे उसका मतलब. जब हमें जीरो निकालना होता है बेटे, तो हम सीधा सीधा जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं. तो उससे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले फाइव इधर ले जाओ. तो फाइव किस में आएगा? माइनस में. अब इस टू को अपॉन में ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस फाइव पॉइंट टू. ये होगा जीरो, इससे जीरो. जी भाई इस्लामिक जी. हाँ भाई समझ में आया? जी भाई हेलो. जीरो कहाँ से आया सर इसमें ये समझ? सर मुझे एक और बार बता दिए. क्या बताऊं? क्या बताऊं? माइनस फाइव अपॉन टू आया इसमें, जीरो कहाँ आया सर वो समझ नहीं आया. शर्म नहीं कर रहे हो? टेंथ में आ गए हो, ऐसी गंदी गंदी बातें पूछ रहे हो. नाला है. जब हम x की जगह माइनस फाइव बाई टू रखेंगे बेटे तभी तो जीरो आएगा. अभी जीरो आया थोड़ा ही है. टू से टू काटो, माइनस फाइव से फाइव काटो, तो क्या आया? जीरो. यस सर समझ गया. समझना तो पहले चाहिए था, नाइन्थ में समझ चुके होते. आप समझ में आ गया या नहीं आया? ये हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना बेटे. हमें कैसे पता चलेगा कि किसको रखने से जीरो आएगा? ऐसे तो हम बहुत कुछ रख के ट्राई करते रहेंगे. सर माइनस फाइव रख लेते हैं, प्लस टू रख लेते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है. क्या करते हैं, दोबारा से सुन लीजिए. जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल क्या दिया था बेटे? टू एक्स प्लस फाइव. तो राइट साइड देखो, ये मैं रफ कर रहा हूँ. टू एक्स प्लस फाइव को जीरो रख दीजिए. क्या रख दीजिए? जीरो. एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 2x plus 5 है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए. क्या हो जाए? जीरो. जीरो हो जाए. तो तभी तो px is equals to zero होगा. यस और नो? यस. यस. तो हम क्या कर रहे हैं, हम रफली कर रहे हैं कि भाई हम चलो 2x plus 5 को जीरो रख देते हैं. तो जब जीरो रखेंगे तो इसमें जो x है, x उसको निकालना है, बाकी सबको राइट ले जाना है. तो सबसे पहले किसको राइट ले जाऊं? सर 5 को. 5 को. तो 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 5. फिर इधर क्या बचा? 2 को कैसे ले जाऊंगा? 2 तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में होगा? डिवाइड में हो जाएगा. अब समझ में आया या अभी नहीं आया? आ गया. दोबारा बताओ जरा मुझे. px is equals to 3x plus 7. बताओ इसका जीरो क्या होगा? सलाम सर, सो नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं बच्चों को. सर दूसरे को ऐसा ही लगता है, हर दूसरे को ऐसा ही लगता है. हुक्म करें. हाँ
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, मंगवा दीजिएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है सर, सलाम जी। बेटे बताओ क्या आंसर आया? 7/3। शाबाश बोलो, सही बोल रहे हो। -7/3 सर। हाँ -7/3, ठीक है, प्लस नहीं आएगा बेटे। आप फिर वही करो, 3x+7 को जीरो ले लो, तो सबसे पहले 7 को इधर ले जाओ -7, है ना, फिर 3 को अपॉन में ले जाओ तो -7/3। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, -7/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताओ सब बच्चे, ये कौन सा वाला पॉलीनोमियल है? पॉलीनोमियल है सर ये डिग्री के हिसाब से बताओ, पावर के हिसाब से? लीनियर सर, ये लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल। शाबाश, इसमें जीरो कितने आ रहे हैं, कितने नंबर्स जीरो आ रहे हैं सर? क्या मतलब सर, क्या सवाल, क्या मतलब? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पूछूंगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, ये भी आप लोगों ने किया था, ठीक है, नाइन्थ में, हमारे पास है x² + 3x + 2, और आपसे कहा था इसको फैक्टराइज करिए। क्या करिए? फैक्टराइजेशन। बताओ इसको कैसे फैक्टराइज किया था आपने, कैसे फैक्टर किए थे? बताइए, x² + 3x + 2 के आपने कैसे फैक्टर किए थे, कुछ याद है? कॉमन लिया था सर पहले इसका। बताओ क्या कॉमन लो इसमें से, कुछ है इसमें कॉमन? नहीं, इसमें से तो नहीं है। तो फिर हाँ सर, कॉमन कहाँ से ले लें? क्या कॉमन है सर? x कॉमन सब में से लेना होता है, एक में से लेना होता है? तो सर एक में से लेना है, सब में से लेना है सर। लेकिन यहाँ पर सब में सर अच्छा नहीं सर, दो में एक्स है, एक में नहीं है। हाँ भाई आइए सीखिए जरा। एक्चुअली क्या है, एक चीज आपने सीखी होगी आप, इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सीखो अच्छे से सीखो, मिडिल टर्म स्प्लिट स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है सब बच्चे, थोड़ा सीख लो फैक्टराइजेशन कैसे होता है सबके लिए, सारे उसके लिए एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं। जो बेटे हमारे पास सबसे पहला नंबर है, तो सबसे पहला नंबर यहां कुछ था नहीं, तो जब कुछ नहीं था तो वन है, और जो सबसे वाला लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, पहला स्टेप, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या करो सर? मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप, जो आपके पास आ गया उसके फैक्टराइज करो, उसको फैक्टर्स में लिखो, प्राइम फैक्टर्स में, और इसके हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 × 1। इसका हमारे पास क्या फैक्टर है? 2 × 1 ओनली, और कुछ है ही नहीं। तीसरा स्टेप, तीन ही स्टेप करने होते हैं, लास्ट वाला साइन चेक करो जो आपको पॉलिनोमियल दिया है कि प्लस दिया है या माइनस दिया है। अगर लास्ट वाला साइन प्लस है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर इक्वल होना चाहिए मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म के। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? एक्स नहीं, नंबर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, थ्री। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन और कराऊंगा फिर आपको और ज्यादा। अगर लास्ट वाला साइन माइनस होगा, लास्ट वाला साइन क्या होगा? माइनस। तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, बस ये तीन स्टेप हैं। तो पहले इसको करते हैं फिर दूसरा करते हैं। अब जैसा बताओ, हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने फैक्टर्स लिए,
और हमारा लास्ट साइन प्लस है, तो इन दोनों का सम 2+1 कितना आना चाहिए? 3. तो 3 आ रहा है या नहीं आ रहा? 2+1 आ रहा है सर। यस, अब सीखो क्या लिखना था। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कहीं आसमान से नहीं आई है ये बात, यहीं से आई है कि भाई मिडिल टर्म को बांट दो, स्प्लिट कर दो। कैसे कर दो? ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2+1 एक्स प्लस 2। तो हमने कुछ नहीं किया बेटे, हमने 3 को 2+1 लिखा है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। लेकिन 2+1 ही क्यों लिखा है? उसकी वजह यह है जो हमने राइट साइड में लिया है, क्योंकि हो सकता था हम 4-1 लिख देते, हो सकता था हम 5-2 लिख देते, लेकिन हम 2+1 ही क्यों लिख रहे हैं वो हमने राइट साइड बताया। तो अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो उसमें अब और पता चलेगा कि इस कैसे कर रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं बेटे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करोगे? 2 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को भी x से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 करो। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? 2 से भी x को मल्टीप्लाई, 1 से भी x को मल्टीप्लाई। अब क्या करो बेटे, जब कॉमन लेना होता है ना तो पेयर बनाने होते हैं, तो पहले वाले 2 को पेयर बनाओ, लास्ट वाले 2 को बनाओ। अब बताओ पहले वाले में से क्या कॉमन? सर x। तो क्या बचा? सर 2x+2 सर। दूसरे वाले में से क्या कॉमन? x प्लस 2। दूसरे वाले में से क्या कॉमन? दोनों में x थोड़ा ही है सर, ये पूरा ही है x+2। कॉमन क्या लूं? जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? 1। और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा वो झुका 2x+2। अब जरा देखो, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। सेम आ गए या नहीं आ गए? यस सर। अब इन दोनों को कॉमन ले लो। जब इन दोनों को कॉमन लोगे तो बचा क्या हमारे पास? एक जगह क्या बचा था सर? x+2 और x+1। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा थोड़ा सा तो है दिमाग इतना आदमी। तो x+2 x+1 सबको समझ में आया? तो x², 3x+2 के दो फैक्टर्स हैं, x+2 और x+1। अब हम क्या करते हैं बेटे, जब जीरो निकालना होता है अब इनको जीरो रखते हैं। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए, लीनियर पॉलिनोमियल आ गए। एक ये है और एक ये है, तो हम क्या करेंगे, हम x+2 को जीरो रखेंगे। इफ x+2 = 0 तो x की वैल्यू आएगी -2, और अगर हम x+1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर इधर देख लो, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल ये है बेटे x²+3x+2, अब अगर मैं यहाँ -2 रख दूं तो -2 का स्क्वायर 3 × -2 + 2, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3×2 = 6 होता है, तो 4+2 = 6 एंड 6 - 6 = 0। तो -2 जो है उसके रखने से 0 हो गया। लेकिन अगर मैं -1 रख दूं, अभी तो मैंने -2 रखा, अब मैं क्या रख दूं? -1, तो p-1 रख देते हैं। तो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 3 × -1 + 2, तो आपको सब बच्चों को पता है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 ही रहेगा, तो अगेन 2+1 = 3, 3 - 3 = 0 हो जाएगा। यस सर? नो? यस सर। दैट्स इट। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास डिग्री 2 है, सब बच्चे ध्यान से अब सुन लीजिए, अगर डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 आए हैं। जीरोज भी कितने आए हैं? एक -2 आया, एक -1 आया। अगर हमारे पास डिग्री 1 थी, अगर हमारे पास डिग्री 1 थी तो हमारे पास 0 भी 1 ही आ रहा था। आ रहा है समझ में? अगर पावर 1 है तो उसके 0 भी 1 है, पावर 2 है तो उसके 0 भी 2 है। अब बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था? अभी भी नहीं आई, दोबारा से सुन लो। हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास है px = x+5, तो नंबर ऑफ जीरोस, या पहले जीरोस लिख लेते हैं, जीरोस। तो यहाँ जीरो सिर्फ एक ही है, -5,
और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसके जीरोस माइनस 2 है एंड माइनस 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें सिर्फ एक जीरो है और इसमें दो जीरोस है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा सर, डिग्री पे डिपेंड करता है। हाँ, अब समझ में आया ना इतनी देर में कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस आते हैं बेटे, वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर पावर वन है तो जीरोस वन होंगे और अगर पावर टू है तो जीरोस भी टू होंगे। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये चीज है। चलो खैर, आज के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, सब बच्चों को जो मैंने अभी सिखाया है बस उतना करना है। अभी चैप्टर से कुछ मतलब नहीं है, अभी आपके लिए तो सिर्फ नाइन्थ का पार्टी है। और सुकून से करिए, भागा दौड़ी नहीं करनी है। आपका बोर्ड एग्जाम मई में होगा, मोस्ट प्रॉबली मई में भी हो जाए अल्लाह करे, तो टाइम बहुत सर, है। मुझे मैंने कहीं से सुना था सर 15 फेब को हो रहा है। आज ही दे दो एग्जाम, कल को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सर। नहीं नहीं, दे दो जल्दी दे दो तुम एग्जाम। नालायक, 15 फेब को तो जब भी नहीं होता था जब हालात सही थे। अब तो अल्लाह ही रहम करे हालात कैसे। देखिए आप सब बच्चे प्लीज, अभी कोई क्लियर नहीं है बेटे, कुछ नहीं पता। ये सब बच्चे देखिए प्लीज, आप सब बच्चे, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। सबके पास बुक है ना एनसीईआरटी की? यस सर। अगर किसी को बुक चाहिए तो मुझसे ले सकता है, मेरे पास ऑफिस में से ले लीजिएगा। चलो ये एक्सरसाइज 2.2 है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइज करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइज करना, इसका एक थर्ड पार्ट में और कर रहा हूं, तो ये हम करेंगे बस। तो आप बच्चे ये सिर्फ फैक्टराइज क्या लिखा हुआ है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप सब बच्चे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। दैट इज नॉट अबाउट द 10th पार्ट, इट इज जस्ट 9th पार्ट जो मैंने समझाया। देख लीजिए, एक क्वेश्चन में और आपके लिए ले रहा हूं कि हमने क्या किया था, जो हम कह रहे थे ना माइनस वाला, तो वो एक चीज और देख लीजिए, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, माशाल्लाह आप लोग इतना कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, यही सिर्फ एक एक्सरसाइज इसमें है करने के लिए, बाकी तो प्रॉपर्टीज है, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये बेटे हमारे पास है और मैं आपसे कह रहा हूँ इसके फैक्टर्स करिए, ठीक है? आपसे कह रहा हूँ कि इसके फैक्टर्स करिए। तो कैसे करेंगे, पहले तो सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा आपको क्या करना है बेटे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा, वरना गलती कर बैठोगे कुछ ना कुछ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटे, यहाँ पे देख लो, माज नबी और अदनान जोया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ये है बेटे कि ये जो पॉलिनोमियल है पहले डिग्री 2 आ गई और फिर बीच वाले में डिग्री 0 है और फिर लास्ट वाले में 1 है, तो ये गलत लिखा हुआ है ना? Yes, sir. तो इसको आप ऐसे लिख लो 6x² - 7x - 3। समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, sir. तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि इसके फैक्टर्स करो। अब अगर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे बेटे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सेकंडों का काम हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। शाबाश, 6 × 3 = 18, ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या है बेटे, 18 के फैक्टर्स करने। 18 के फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं देखो, सबसे पहले तो 1 वाला हो सकता है, ध्यान रखना हमेशा, दूसरा 2 वाला हो सकता है, तीसरा, ठीक है, 9 × 2 = 18, तीसरा 6 × 3 = 18। यस सर नो? यस सर। तो ये 3 फैक्टर हो गए, 18 बन जा, 9 × 2 = 6 × 3 =, तो दो चीजें हो गई। पहला आपने किया मल्टीप्लाई, दूसरा आपने किया बेटे कि प्रोडक्ट फैक्टर्स का, और तीसरा आपको करना है कि लास्ट वाला साइन चेक करो। लास्ट वाला साइन प्लस है या माइनस? माइनस सर। माइनस, अगर माइनस है तो ये जो आपने फैक्टर्स लिए हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, फैक्टर कौन से, 18, 1, 9, 2, 6, 3, उनका माइनस यानी कि उनका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू मिडिल टर्म। सब बच्चे बताओ मिडिल टर्म कितना है सर? 7।
7 आना चाहिए. अब बताओ 18 और माइनस 1 का डिफरेंस कितना आता है सर? 17. और 9 और 2 का डिफरेंस कितना आता है सर? 7. और 6 और 3 का डिफरेंस कितना आता है? 3. सर 3. तो 7 किससे आ रहा है सर? 9 और 2 से. सब बच्चे बताओ समझ में बात आई या नहीं आई? तो हमें फैक्टर्स जो लेने 9 और 2 लेने. क्वेश्चन तो फिर बहुत इजी है, जैसे हम कर रहे थे. तो हम क्या लेंगे? 6x² माइनस, तो 7 को हम लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3. यस और नो? यस सर. और आप सब बच्चे सुन लीजिए, जिसने स्कूल में भी सीखा है, टीचर ने भी सिखाया है, तो कुछ कुछ टीचर कहते हैं कि भाई एक प्लस का दूसरा माइनस का, उससे भी मत छोड़िए, उसे भी जरूरत नहीं है. अगर आप ब्रैकेट यूज करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि 9 को प्लस का आना है या 2 को प्लस का आना है, अपने आप. तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे, जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अब जरा ओपन करो ब्रैकेट को, तो 6x² 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं सर? x है. तो 9x हो जाएगा. यस सर. लेकिन बाहर क्या है ब्रैकेट के बाहर? प्लस है माइनस है? माइनस. माइनस 9x हो जाएगा. यस सर नो? यस सर. अच्छा, लेकिन ये जो 2 है ये तो पहले से माइनस का था सर, अभी प्लस हो जाएगा सर, माइनस का रहेगा. अदनान थोड़ा सा ब्रेक लगाया करो, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस. एक सर, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x. यस सर नो? यस सर. माइनस 3. ठीक है. अब सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, सब बच्चे प्लीज, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको इस बीच वाली लाइन की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये पता चल गया कि आपके फैक्टर्स 9 और 2 आने हैं, आप सब बच्चों को चल गया, तो फिर इस लाइन की जरूरत नहीं रहेगी. लिखना चाहो लिखना, नहीं तो नहीं. सही, मुझे 7 जो चाहिए बेटे, माइनस का चाहिए प्लस का चाहिए सर? माइनस का. माइनस का, तो इसका मतलब बड़ा वाला जो है माइनस होना चाहिए और छोटा वाला जो है वो प्लस. सब बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई. ठीक है, तो अगर आपको ब्रैकेट यूज नहीं करना और माशाल्लाह प्रैक्टिस आप कर लो, तो आपको एकदम से समझ में आ जाया करेगा. क्यों? हो सकता है ये चीजें सीखा करो, हो सकता है आप करते कि सर नहीं 9 को प्लस का कर देते हैं और सर 2 को माइनस का कर देते हैं. लेकिन आप सोचो फिर 7 जो है प्लस का आता माइनस का आता? प्लस 9x माइनस 2x, बताओ क्या होगा? अरे इतना सोचना पड़ता है आप लोगों को सर? 7x. 7x प्लस का आएगा माइनस का? सर प्लस का आएगा. लेकिन हमें चाहिए कहीं का था माइनस, तो गलती कर ली ना हमने. यस सर. यस, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप माशाल्लाह. चलो शाबाश. तो हमारे पास क्या हुआ? 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3. खैर मैंने अभी पूरा लिख दिया, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेती. अब तो सिर्फ बेटे पेयरिंग करनी है. तो पहले वाले पेयर में से आपको क्या करना है, सब बच्चे ध्यान से देख लो. बस पहले वाले पेयर में से सबसे पहले नंबर देखते हैं, नंबर क्या है. तो 6 और 9 में क्या नंबर कॉमन आएगा? 3. अब वेरिएबल में से देखते हैं, एक जगह x की पावर 2 है, एक जगह x की पावर 1 है, तो क्या कॉमन आएगा? x की पावर 1, है ना. तो आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 2 जा 6, 2 और 1 पावर कॉमन ले ली. अब 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 2 6 होता है. हां 3 2 6 ही होता है, हमका मना करो. हां भाई सर एक मिनट सर. अरे 2x - 3 सर एक बार फिर से बताइएगा. पिटाई कर दूंगा मैं इतना. मैं चाचा की बहुत पिटाई कर रखी, पूछना. और चाचा के दोस्तों की भी बहुत पिटाई कर रखी. चलो देखो सर. यस सर, बता रहे थे पूछना. जी सर ने कितनी पिटाई करी. देखो इतना इधर बेटे, हमारे पास ये है 6x² माइनस 9x. ठीक है बेटे. तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर में से कॉमन लेना होता है. किसमें से लेना होता है? नंबर में से. और कॉमन का मतलब कुछ नहीं होता, कॉमन का मतलब होता है दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, बड़े से बड़ा नंबर. तो बताओ 6 और 9 किससे डिविजिबल है? सर 3 से. सर 3 से. शाबाश. तो हमने 3 को बेटे बाहर ले लिया. अब 3 को बाहर ले लिया तो 6 को डिवाइड करो 3 से. कितने टाइम टेबल चल रहा है? 2 टाइम पे सर. 2 टाइम. और 9 कितने, 9 कितने टाइम चल रहा है सर? 3 बार. ओके. अब समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया. पहली आ गया. अब सुन लो ध्यान से. चलो ब्रेक लगाएगा. अब हमने ले लिया नंबर्स में से, अब दूसरा हमें ढूंढना है बेटे
वेरिएबल, एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर और एक हमारे पास है एक्स, तो इसमें से जो कॉमन लेते हैं वो कम वाली पावर लेते हैं, तो एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन में कम कौन है? एक्स की पावर वन सर, वेरी गुड, एक्स की पावर वन। तो यहाँ भी डिवाइड ही करना है, मतलब ध्यान से सुन लो, कॉमन का मतलब डिवाइड। अगर आप x की पावर 2 को x की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी पावर बचेगी? x की पावर 1 ही बचेगी, x की पावर 1। समझ में आ गया? तो जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x की पावर 1 बची, माइनस बीच में था और दूसरे वाले में से तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया तो वहां कुछ नहीं बचा। अब समझ में आया 2x माइनस 3 कहां से आ रहा था? यस अदनान, यस सर, आ गया समझ में? यस सर, शाबाश। देखो अभी इधर हमारे पास बीच में साइन जो होता है बेटे, हमेशा बीच वाला साइन वही लेते हैं, तो बीच वाला साइन क्या है? माइनस, ओ सॉरी सर, सर प्लस, प्लस प्लस। हमने पेयर कर रखा है बेटे, पहले दो को अलग कर रखा है और बाद के दो को अलग, तो बीच वाला साइन प्लस का है। अब बताओ नंबर एक टू है और एक थ्री है, इन तीनों दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? टू और थ्री में नहीं सर, वन आ जाएगा कॉमन। हाँ, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो बताओ 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x क्या होगा? Yes or no? Yes, sir. 3x plus 1 को 0 रखेंगे तो क्या होगा? 3.2 है? 3.2? बताओ, समझ में आया सबको? हाँ जी, क्या हुआ, चुप क्यों हो जाते, समझ में नहीं आया? अदनान सर, समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया, मैं एक बार, यस सर आ गया। माज, हमारे पास है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को हम 0 रखेंगे तो 3 हमारा इधर चला जाएगा और फिर 2 को इधर लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से 3x प्लस 1 को 0 रखेंगे, 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस में, 3 अपॉन में लाएंगे तो -1/3। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। तो यहां तक ही करना है आपको, आपको फैक्टर्स करने हैं और उनके जीरोस निकालने हैं। तो आप कह सकते हो 3/2 एंड -1/3 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। कोशिश कर लोगे क्या? यस सर, इंशाल्लाह। वेरी गुड।